अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास। तो आज का जो हमारा साइंस का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है गैस प्रेशर इन अ कंटेनर। इससे पहले हमने वाटर प्रेशर के बारे में पढ़ा था, तो एक के वाटर प्रेशर जो फ्लूइड प्रेशर होता है वो क्लोज्ड कंटेनर में, उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कंटेनर के अंदर गैस का प्रेशर। कंटेनर से मुराद कोई भी सिलेंडर हो सकता है, जैसे हम गैस सिलेंडर्स घर में यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो कंटेनर के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में। ये देखें, शो भी किया हुआ है कि हर डायरेक्शन में गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। फिर इन गैस मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन होती है और सिलेंडर या कंटेनर की वॉल्स के साथ भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। तो जब ये कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो ये उन वॉल्स पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं और ये फोर्स जो है फिर प्रेशर प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो रिड्यूस कर दें और गैस की अमाउंट जो है सेम रहे, यानी कि एक छोटे सिलेंडर में सेम अमाउंट ऑफ गैस जो है हम डालें, तो क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगा, जो स्पेस होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो कम हो जाएगा। तो कोलाइजंस इंक्रीज़ हो जाएंगी। जब उनका कोलाइजंस यानी कि टकराव, जब उनकी कोलाइजंस इंक्रीज़ होंगी मॉलिक्यूल्स की, तो वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे और इसी तरह ज़्यादा प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करेंगे सिलेंडर की या कंटेनर की वॉल्स पर। इसी तरह प्रेशर एग्जर्ट ज़्यादा एक और केस में भी हो सकता है कि आप गैस जो है वो इंक्रीज़ कर दें, यानी कि सिलेंडर या कंटेनर की का वॉल्यूम वही रहे लेकिन आप ज़्यादा गैस जो है वो उसके अंदर डाल देंगे। तो फिर भी क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए, उनके दरमियान की स्पेसिंग कम हो गई और कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो जब कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। इस टॉपिक की अच्छी तरह से आपने रीडिंग करनी है और अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।